हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब मिलने वाले हैं। तो ये जो है ये स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो है जो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। और पता है बहुत सी चीज़ें थी जो मुझे ही बहुत डाउटफुल थी, बट आफ्टर हैविंग बेबीज मुझे ये चीज़ समझ में आई। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। हम लोग की सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, स्टिल मेरे पास बहुत से जजमेंट पास होते हैं कि इतनी जल्दी नहीं करना था, इतनी जल्दी दूसरा बेबी नहीं करना चाहिए था और इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वो प्रॉब्लम हो रही है। तो हेल्थ वाइज प्लस इमोशनली प्लस फाइनेंशियली हम लोग एक्साइट करेंगे क्योंकि वो थोड़ा पर्सनल हो जाता है। तो किस तरह से ये जर्नी गई और बच्चा हो गया, 2 महीने की होने वाली मेरी सेकेंड बेबी। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा एक बेटा है जो कि अभी 23 मंथ का है, वो अगले महीने हो जाएगा पूरे 2 साल का। और मेरी जो बेटी है वो अभी 2 मंथ की होने वाली है। तो हमारे जो बच्चे हैं उनके बीच में डिफरेंस 2 साल से भी कम का है। और जब मैंने कंसीव किया था तो पहला बेबी बहुत छोटा था। और इस बारे में क्योंकि बहुत से लोग ऐसा होता है यार, कई बार जिसको आना होता है, मैं जिया को हमेशा यही बोलती हूँ कि जिया को आना था, इसीलिए जिया मेरी सेकेंड बेबी का नाम, तो उसे आना था तो वो कैसे भी आई, जितने भी ऑब्स्टिकल्स आए, पीछे बहुत सी चीज़ें हुई थी। हाँ, और एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, मैं इसमें अपने मन की बात करने वाली हूँ और आपको किस तरह से सपोर्ट चाहिए होता है अगर आप जल्दी से बच्चा का प्लान ना होने के बाद, एक अनप्लान प्रेगनेंसी थी मेरी, तो अगर आपका भी ऐसा कुछ होता है तो आपको किस किस जगहों पर अलर्ट रहना है और पहली प्रेगनेंसी वर्सेज सेकेंड प्रेगनेंसी में अंतर क्या होता है यही मैं आपको बताऊंगी। और बच्चा होने के बाद भी आपके साथ क्या होता है अगर आपके पास एक छोटा सा टॉडलर है एंड देन आपका न्यू बॉर्न है, तो ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और आई थिंक अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो बेटर है क्योंकि आपको लोग हेल्थ वाइज बोलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉन्ट्रडिक्ट हुई है मेरी कंडीशन, मतलब मेरे केस में, तो आई थिंक मैं आपको एक क्लियर विजन दे पाऊँगी जो भी इस सिचुएशन में हैं अभी इस टाइम पे या आ गए हैं। तो आई थिंक मेरे से अच्छा अभी आपको कोई नहीं मिलेगा जो ये चीज़ आपसे पर्सनली शेयर करे। तो चलिए शुरू करते हैं अब फाइनली इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया। 2021 जुलाई में मेरा जो फर्स्ट बेबी बॉय है वो पैदा हुआ, लाइक उसका बर्थ हुआ था। और हम लोग अपनी पूरी जर्नी उसके 1 साल तक खूब इन्जॉय कर रहे थे। जून में मेरी एक प्रेगनेंसी थी जो कंसीव हुई थी, और लाइक जून 2022 में, और वो जो था उसमें हार्ट बीट नहीं आई और वो भी अनप्लान्ड थी, लाइक प्लान्ड नहीं थी। और यार जज करना है ना भी तो आप कर सकते हो, मुझे पता है बहुत सारे लोग जज करेंगे इस चीज़ के लिए कि आपको केयरफुल रहना चाहिए अगर प्लान नहीं है। तो हम लोग का ऐसा कुछ था ही नहीं कि हमें प्लान करना है सेकेंड बेबी, क्योंकि डुगू के भी जो हेल्थ कंडीशन है वो उस पर हमें थोड़ा ध्यान देना था। और वो मतलब फर्स्ट एवर प्रायोरिटी हमेशा से था और अभी, क्योंकि जब दूसरा बच्चा आता है तो कहीं ना कहीं आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, तो हमें डुगू पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना था। तो इसीलिए जब जून में कंसीव हुआ तो हार्ट बीट नहीं आई और वो प्रेगनेंसी ऑटोमेटिकली, लाइक मिस्ड अबॉर्शन होता है आपको, तो ब्लीडिंग शुरू हो गई थी तो वो प्रेगनेंसी चली गई 2022 वाली। उसके बाद डुगू का जो बर्थडे था ये बहुत अजीब है, मैंने मेडिसिन वगैरह खाई थी, इवन मैं उस पर भी थी तो वो मुझे समझ में नहीं आता है। इन जुलाई मेरी जो अब बेबी हुआ है वो मैंने कंसीव किया था इन जुलाई, जिस टाइम डुगू 1 साल का प्रॉपर हुआ था उस टाइम पे मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी कंसीव हुई। और हम लोग मतलब पता तक नहीं था, हम लोगों को बहुत टाइम तक नहीं पता था, मैंने कोई प्रेगनेंसी टेस्ट भी लिए, इवन मैंने कोई वीडियो भी नहीं डाली प्रेगनेंसी टेस्ट की, इसलिए क्योंकि यार पता नहीं बहुत टाइम तक तो वो पॉजिटिव ही नहीं आ रहा था। फिर मैं अपने जब स्कैन पे गई थी, क्योंकि मेरा मिस्ड अबॉर्शन हुआ था तो आपका एक स्कैन होता है, तो सी की सारे जो भी आपके पे यूट्रस में बेबी के, या बहुत अजीब सा टर्म है वो लोग टेस्ट बोलते हैं, पर अगर बेबी कुछ भी बचा है तो वो लोग चेक करते हैं। तो जब मैं गई, क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट मेरा नहीं आ रहा था वो पॉजिटिव, एक जब मैंने अगस्त में किया था तो पॉजिटिव आया, वो भी लाइट वाला आया था उस टाइम तक, उसके बाद वो बहुत डार्क हो गया था। तो बीच में फिर मैं चली गई थी, मुझे थोड़ा सा डाउट था कि शायद है, और थोड़ा सा डाउट था कि मे बी यार
कई बार आपकी प्रेगनेंसी जाते जाते जो भी काफ़ी टाइम हो गया था, कुछ आपका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव दिखाता है। बहुत टाइम तक तो ये दिखाता है क्योंकि मेरा टाइम हो गया था, पर फिर मेरे माइंड में आया कि इतनी जल्दी तुम किसी भी कंडीशन में कंसीव नहीं कर सकती, क्योंकि आई हैव अ हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेजेस जो कि मेरे साथ फर्स्ट के बाद भी हुआ था इन जून। उसके बाद फिर जब टेस्ट हुआ, जब मैं अपना सोनोग्राफी कराने गई थी, तो 6 हफ्ते का बच्चा था विथ हार्ट बीट था। जब उन्होंने जो हार्ट बीट सुनाई उस टाइम पे हम लोग मतलब शॉक्ड हो गए कि यार इतना भी वैसा टेस्ट नहीं आया था। और उसके बाद मैंने टेस्ट किया था तो वो एकदम वो आया था राधा का रिएक्शन, और हम लोग का रिएक्शन ऐसा था मैंने डाला ही नहीं यार, क्योंकि वो बहुत ऐसा था कि आप एक कन्फ्यूजन में रहते हो और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि क्योंकि मेरे सी सेक्शन को 1 साल ही हुआ था उस टाइम तक, तो पता नहीं मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट करने वाली है, रिकवरी नहीं हुई है, बहुत सी चीज़ें थी जो दिमाग में घूम रही थी, प्लस फर्स्ट बेबी तक छोटा है, सेकंड हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो सब कुछ आ रहा था। बेबी की हार्ट बीट सुन के हम लोग आए, बहुत डरे हुए थे घर में। और उस टाइम मेरे ख्याल से पितृपक्ष शुरू होने वाला था या फिर गणेश जी का एंडिंग का वो चल रहा था टाइम, जहाँ तक मुझे याद है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। हम लोग घर आए हैं, घर आने के बाद जब हम लोग आए और बहुत कन्फ्यूजन में थे, ये बात मैंने अपनी मम्मी को नहीं बताई, राजा ने भी किसी को नहीं बताया। राजा ने आई थिंक कॉल किया था अपने मम्मी पापा को, मम्मी पापा कहीं गए हुए थे तो कॉल रिसीव नहीं हुआ, तो हम लोग को लगा मे बी यार चलो भी नहीं बता रहे किसी को भी। हम लोग बहुत कन्फ्यूजन में घूम रहे थे और मुझे थोड़े थोड़े सिम्टम्स आना शुरू हुए, क्योंकि एकदम सिम्टम्स नहीं आते, आना शुरू हुए। फिर पितृपक्ष आया, फिर नवरात्रि आए, इस तरह करते करते त्योहारों पर बहुत सारा टाइम निकल गया। और डॉक्टर के पास हम लोग गए थे फॉर ओपिनियन हेल्थ वाइज, डॉक्टर से आप और ओपिनियन नहीं ले सकते हो कि बच्चा कैसे संभाला, वो आपका कॉल है। मैं गई डॉक्टर के पास, मैंने डॉक्टर से इतना पूछा क्या ये पॉसिबल है मेरी हेल्थ इफेक्ट हो, क्योंकि यार एक बच्चा आपको ऑलरेडी है तो आप एक रिस्क पे नहीं पड़ सकते ना। तो डॉक्टर ने बोला कि उन्होंने पहले भी डिलीवरी करी, इवन उन्होंने मुझसे तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बोला था और एंडिंग तक उन्होंने बोला था यार नॉर्मल कर सकते हैं, पर मेरी बेबी का वेट भी बहुत ज़्यादा हो गया था। उसके डॉक्टर के पास गए तो हेल्थ वाइज अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करूँ तो फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरी बहुत स्मूथ थी, सेकेंड प्रेगनेंसी में अप एंड डाउन काफ़ी आए। इमोशनली बहुत ज़्यादा टफ होता है यार, इतने ड्यूरेशन में प्रेगनेंसी होती है ना आपकी, तो डुगू के पास क्योंकि डुगू ने चलना सीखा था उस टाइम पे तो बहुत भागता था दौड़ता था, तब भी हम लोग को 2-3 महीने ऐसा लगा कि चलो इतना टफ नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे उसकी जो एक्टिविटीज़ थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मेरे को ना एक टाइम पे लगने लगा था कि यार पता नहीं क्या हो गया यार, मैं एकदम दिल की बात अपनी मन की बात शेयर कर रही हूँ, मेरे को लग रहा था कि यार कुछ गलती कर दी है हम लोगों ने, हम लोग कैसे अटेंशन दे पाएंगे, बहुत टेंशन होती थी इस बात की। और कोई पॉइंट्स नहीं बनाए हैं मैंने इस वीडियो के लिए, मैं जस्ट हार्ट टू हार्ट जो भी चीज़ें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बहुत टेंशन होती थी हेल्थ, आप अगर इतनी उससे मेरे को ये नहीं पता बच्चा अगर बड़ा हो जाता है 3-4 साल का तो उसकी एक्टिविटीज़ क्या होती, क्या वो संभल जाता है ये भी नहीं पता है, पर डुगू नहीं संभला था बिल्कुल भी, और वो चीज़ें सीख रहा था कर रहा था दिन पे दिन, उसका भागना दौड़ना और आपका अकेले रहना ऐसे टाइम पे और टॉडलर के पीछे भागना इतना ज़्यादा एग्जॉस्टिंग था मेरे लिए। सेकेंड प्रेगनेंसी में रेस्ट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, फर्स्ट में बहुत रेस्ट था क्योंकि आप एज अ कपल रहते हो, आपको कोई काम ऐसे घर वर के रहते हैं और मेरा चैनल भी है तो वही मुझे देखना पड़ता था, तो बहुत 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 स्ट्रेसफुल हो गया था, बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन होते थे मेरे लिए, कई बार खुद पर गुस्सा आता था, कई बार आपको शायद ऐसा होता है कि ये लगता है कि बच्चा भी भाग रहा है तुमसे, आपको जब मेरा कंसीव ही हुआ था मुझे पता चला था बिल्कुल इतना एक्टिव नहीं था, धीरे धीरे उसकी एक्टिविटीज जिस तक से बढ़ रही थी तो मेरा भी सांस फूलना डरना घबराना रोना सब शुरू हो चुका था। एंड 6th मंथ में जब मैं आई थी तो स्टिचेस के लिए बोल दिया था क्योंकि सर्विक्स मेरी ओपन हो रही थी और वो हमने कराया नहीं, बेड रेस्ट किया और वो भी नहीं कर पाते यार, अगर आप सिंगल हो न्यूक्लियर फैमिली में हो और ऐसे आपको कोई केयर करने वाला नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो प्रेगनेंसी वाइज ये था कि बहुत अंतर था यार, फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरी बहुत अच्छे से गई थी, सेकेंड प्रेगनेंसी गई है
रोते हुए गई है क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सी चीज़ें हैं और लोग बोलते हैं कि 3 साल के बाद बच्चा करना चाहिए। मुझे लगता था 3 साल के बाद मे बी आपकी हेल्थ इफेक्ट होती है, इसलिए हेल्थ तो इफेक्ट होती है पर मेंटली आप बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हो। उसके बाद जो भी चीज़ें थी, दवाई टाइम पे लेना भी एक टास्क हो गया था। बच्चा बड़ा होना अलग बात होती है कि हाँ यार ये गैप इसलिए मेंटेन, मैं अगर बोलूँ तो आपको ये गैप मेंटेन करके रखना चाहिए बच्चों के बीच में। जब मेरा बेबी कंसीव हुआ था तो मैंने अपनी फैमिली मेम्बर सबसे बात करी तो उन्होंने बोला साथ में बढ़ जाएंगे, साथ में बड़े होंगे, साथ में खेल लेंगे। एक्चुअली आपको यही बोला जाता है, डॉक्टर ने मेरे से बोला था कि आप सोच लो अगर, क्योंकि यार कहीं ना कहीं चीज़ें होती है ना कि आपको डर वो लगता है। पर हम लोगों ने इतना सफ़र किया था बच्चे के कारण तो हम लोगों के दिमाग में सेकेंड थाट कुछ गलत आया नहीं कि हम कुछ करें। और मैं को लगता है कि अगर कोई आ रहा है तो उसे आने दो और जो भी होगा ना आप 2-3 साल स्ट्रगल करोगे पर चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी जो कि मे बी इन फ्यूचर हो जाए। उसके बाद जब फर्स्ट बेबी और सेकेंड बेबी की बात आती है ना तो अभी भी कंपैरिजन बहुत सी चीज़ों का होता है कि मैं ध्यान नहीं दे पाती हूँ और पहले बेबी की तरह ब्लॉक्स नहीं आ रहे, पहले वाले ब्लॉक्स मेरे अलग थे, बच्चों के लिए अटैचमेंट अलग थी और इस टाइम पे अलग है। तो शायद अगर आप इस कंडीशन में आएंगे तो आप समझेंगे कि अगर आप वर्किंग हो या ना हो यार हाउसवाइफ को बहुत काम होते हैं। आई रिस्पेक्ट कि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे को घर के काम इतने रहते, आप कितना भी किसी को लगा लो यार फिर भी मेंटली आपको कोई उस ढंग से नहीं पकड़ सकता। आई थिंक जिनके बे बच्चे छोटे छोटे ड्यूरेशन में वो मेरी बात को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो अभी वो 2 साल का भी नहीं है, 21 मंथ का इनमें गैप है दोनों बच्चों में। डुगू नहीं समझता था और ना वो अभी तक थोड़ा थोड़ा उससे समझता है कि वही है, पर इतना नहीं समझता कि उसकी बहन है या उसकी उससे उसकी बहुत केयर करनी है। हाँ थोड़ा बहुत समझने लगा है क्योंकि वो साथ में रहती है। तो प्रेगनेंसी वाइज अगर मैं बोलूँ तो सी सेक्शन के बाद मुझे ऐसी कोई तकलीफ नहीं हुई थी। हाँ वो सर्विक्स मेरी ओपन हो गई थी बट एज सच मुझे बॉडी पेन वगैरह नहीं था। प्रेगनेंसी इमोशनली और मेंटली उस जगह से अलग करके देखे तो फिजिकली मैं एकदम सही थी, मैं काम कर रही थी, मैं सब कुछ कर रही थी, फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। स्टिचेस, अब आते हैं स्टिचेस पे कि आपकी सी सेक्शन था और सेकेंड में मेरा सी सेक्शन ही हुआ है तो स्टिचेस वहीं पे लगते हैं। ये बहुत सवाल आते हैं कि जो स्टिचेस है आपके कहीं और लगे हैं, मतलब दूसरा कट डॉक्टर ने दिया है टू लाइक बेबी को निकालने के लिए, तो नहीं वहीं पे लगते हैं स्टिचेस। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मे बी ये अलग हो सबके केसेस में पर मैं एक चीज़ बताती हूँ, मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में जब स्टिचेस लगे थे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द होता था। आफ्टर सी सेक्शन में मुझे बहुत दर्द हुआ है और मुझे मान के चलिए 1 महीने भी बहुत दर्द हुआ है। टच वुड ये वाला जो सी सेक्शन हुआ था जो कि स्टिचेस के ऊपर स्टिचेस हुए हैं, स्टिचेस के ऊपर कट हुआ है, उसमें पता नहीं यार मुझे सी सेक्शन वाइज बहुत स्मूथ लगा। जो भी है मतलब दर्द नहीं हुआ और ऐसा जो पेन था आपने देखा होगा इसमें मैं काफ़ी ज़्यादा अलर्ट थी। इवन मतलब मैं घूम रही थी और मतलब घूमना भी नहीं मतलब चलना शुरू कर दिया था। सेकेंड डे पे आजकल उठा देते हैं आपको, जैसे आपका 8 दिन में हुआ है तो अगले दिन आपको वो वॉक कराना शुरू कर देते हैं। तो रिकवरी बहुत फास्ट थी मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी इस सी सेक्शन की। फर्स्ट में स्लो थी, सेकेंड में बहुत ईजली एंड बहुत जल्दी जो है वो रिकवरी हो गई। और डिलीवरी के बाद जैसे कि मैंने फर्स्ट और सेकेंड बताया तो आपके पास सेकेंड प्रेगनेंसी में बहुत सारा मेंटल बर्डन रहता है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक जिम्मेदारी होती है जो कि आपका छोटा बच्चा होता है, फर्स्ट पे आपके नहीं रहता है। तो 2 साल में 3 साल में अगर आप बच्चा अगर बड़ा नहीं है और अगर आप सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से यार देखिए मैं कोई नहीं होती आपको बताने वाली बट आप अवॉइड कर सकते हो तो करो क्योंकि इमोशनली मेंटली आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे। एक बच्चे ने जस्ट अभी सोना सीखा है जो कि रेगुलर 10-12 घंटे सोता है और आप थोड़ा सा पीसफुल नींद लेना शुरू करते हो आफ्टर 1 ईयर जब बच्चा 1 साल का हो जाता है, उसके बाद थोड़ा सो लो मेरे हिसाब से आराम से 1-2 साल अच्छे से सो लो, उसके बाद फिर मेंटली आप थोड़ा प्रिपेयर होना शुरू करोगे। हमारे दिमाग को ना वो टाइम ही नहीं मिला कि हम लोग वो चीज़ प्रोसेस कर पाते। एंड जब हम लोग हॉस्पिटल में थे तब तक सब सही था
जैसे हम घर पे आए, ये बात तो आई थिंक मैंने शेयर ही नहीं करी, जैसे हम लोग घर पे आए और घर पे आने के बाद जिया ऊपर आए, डुगू ऊपर आए, सडन होता ना आपका एक बच्चा था, सडनली सेकेंड बेबी भी आपका साथ में है। अब मेरे को उस टाइम पर ऐसा लग रहा था, मेरा जो फर्स्ट बेबी था वो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पे था 6 महीने तक, उसके बाद भी वो ब्रेस्ट फीड पे था, ड्यूरिंग 9 मंथ भी उसने ब्रेस्ट फीड किया मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान। स्टिल अभी मैं उसको कम कर रही हूँ, बट वो रात में अभी भी ब्रेस्ट फीड करता है। मैंने उसके दिन की और जो भी वो लेता था वो सब मैंने छुड़ा दिए। जब हम लोग घर आए थे उस टाइम पे डुगू बहुत ज़्यादा जिद्दी टाइप का हो गया था, लाइक अब वो नॉर्मल हो रहा है धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गया था। जिया को हमने बेड पे लिटाया, उसको भी बेड पे आना है, तो हम लोग एकदम भी श्योर नहीं थे यार उस टाइम पे कि उसको हम लोग बेड पे करेंगे, हो सकता है उसे हर्ट कर दिए। तो हमने काफ़ी टाइम तक तो ये चीज़ काफ़ी अवॉइड की है, क्योंकि आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में हो, बाय गॉड ग्रेस मैं अपने इन लॉज के साथ रहती हूँ, तो मेरे इन लॉज भी थे सपोर्ट करने के लिए। फिर मैंने 12 घंटे की अभी नैनी भी लगा के रखी हुई है, जो कि मैंने मेरे टॉडलर के लिए लगाई थी, बट वो टॉडलर मेरा नहीं जाता है, कुछ भी कर लिया मेरा बच्चा नहीं जाता, रुकता ही नहीं है, वो खेल लेगा घुमा के ले, इतना बस उसका रहता है। आपके बड़े बच्चे के अटैचमेंट आपसे बहुत रहती है और वो आपसे वही एक्सपेक्ट करता है जो कि वो पहले करता था। बच्चा नहीं जानता है कि आपका थोड़ा माइंड, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ गई है, बट बच्चा ये नहीं समझेगा, बच्चा थोड़ा थोड़ा जिद्दी होना शुरू हो जाता है। हमने 2 जगह काउंसलिंग ली थी, एक जो डिगू के रेगुलर डॉक्टर है उनसे, और एक हमने हमारे थ्रू नैनी हम गए थे। तो ऐसे केसेस में आपको कई बार मेंटली आप इतने ज़्यादा हो जाता है, वो काउंसलिंग जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैं देख रही थी डिगू हेड बैंग करने लगा था, अब वो नहीं करता, वो हेड बैंग करने लगा था, वो इस तरह से जो था वो सब करने लगा था। मेरे पास काफ़ी जजमेंट आते थे, क्यों इतनी जल्दी बच्चा कर लिया, क्यों ध्यान नहीं रखा, क्यों, या पता नहीं, मैंने नहीं सोचा था सपने में भी कैसा कुछ होने वाला है। बट हमने जब हुआ तो हमने खुले दिल से, हम कुछ गलत नहीं कर सकते थे, सिंपल सी बात थी। और जब ये सब कमेंट्स मेरे पास बढ़ने लगे कि नहीं करना चाहिए था, आपका फर्स्ट बेबी इफेक्ट हो रहा है, उस पर तो ध्यान नहीं दिया गया, दूसरा आ गया, दूसरे पे भी ध्यान दे रही हो, इससे कम प्यार करते हो, इससे ज़्यादा प्यार करते हो, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होने लगी, तो मेंटली मैं और ज़्यादा वो होने लगी थी। और जो 12 घंटे की नैनी थी, फिर ऑटोमेटिकली मैंने, क्योंकि लगा के रखी थी, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत थी। मम्मी पापा बहुत सपोर्ट करते हैं, राजा बहुत सपोर्ट करते हैं, बट एक पर्टिकुलर बंदा आपको चाहिए होता है जिसको आप बोल सको कि आपको इसे रखना है, ये रो रहा है, इसको देखना है, या फिर अगर मैंने जिया को फीड करा रही हूँ तो डुगू को वो देखें। तो इस ढंग से सब कुछ जो था वो प्लान करना था। फिजिकली कुछ नहीं हुआ, फिजिकली जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट वर्सेस सेकेंड ड्यूरिंग लाइक अंडर 2 ईयर्स मुझे नहीं प्रॉब्लम हुई, और मैंने रिकवरी अच्छे से करी, जैसे फर्स्ट में करी थी वैसे ही करी, और फर्स्ट में थोड़ी तकलीफ ज़्यादा थी। मेंटली हम लोग चले गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे। एक टाइम था 6 महीने से पहले वाला, उसमें तो और हम लोग मेंटली बहुत उसमें थे कि यार समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है लाइफ में, प्लान नहीं था। और हम लोगों ने क्योंकि स्ट्रगल वो किया था, तो हमें लगा है कि रखना है और हम नहीं करेंगे कुछ भी, जैसा है जो भगवान जी की इच्छा, यही सोच रहे थे हम लोग। और जिसको आना होता है ना वो आता है। मैंने अपनी बहुत सारी प्रेगनेंसी सेव करने की कोशिश करी थी और वो सेफ नहीं हुई, और अगर आप जाके देखेंगे तो वो वीडियोस भी हैं, मैंने बहुत बचाने की कोशिश करी, नहीं बची। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई, इवन मैं बोझ भी उठा रही थी, डुगू को उठा रही थी, काम कर रही थी, जिसको भी आना होता है वो आता है, यही मैं तब भी बोलती थी और यही मैं अभी भी बोलती हूँ। तो अब हम लोगों की जो लाइफ है वो इस ढंग से चल रही है कि हम लोगों ने अपने जो काम है वो डिवाइड कर लिए हैं। राजा बहुत हेल्पफुल है, अगर आपके पास सपोर्टिव फैमिली नहीं होगी ना तो आप मेंटली बहुत सफ़र करने वाले हो। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। इतने सारे लोगों के होने के बावजूद भी मैं कई बार उसमें चली जाती हूँ कि यार 6 बज गए सुबह के, मैं सोई नहीं हूँ, और कब उठूँगी, कब सोऊँगी, फिर सुबह उठ के सब कुछ प्लान करना है, खाना बनाना है, सब काम करना है, क्या करने वाली हूँ मैं। आप
आपको 10 हेल्प मिल जाए बट जो इमोशनल बॉन्ड आपको बेबी से जोड़ना होता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। जिस तरह से जब मेरी डिलीवरी हुई थी, जब मैंने फर्स्ट टाइम डुगू को देखा था, उस टाइम मुझे अलग फीलिंग हुई थी। और जिस टाइम मैंने जिया को देखा, मेरे दिमाग में आया था उस टाइम पे कि हम जब घर जाएंगे, क्योंकि यार इतने दिन तो हॉस्पिटल, 2-3 दिन रहते, तो मैं कैसे मैनेज करूँगी। मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था और कुछ नहीं चल रहा था, जबकि इतने लोग थे। मैं फीड कैसे कराऊंगी, डुगू का क्या वो होगा। और धीरे धीरे देखिए चीज़ें, क्योंकि 2 महीने होने आ रहे हैं जिया को आए हुए, तो धीरे धीरे चीज़ें जो है ना वो लाइन पे आ जाएगी आपके। क्योंकि 2 महीने में देख रही हूँ चीज़ें बेहतर हो रही है, बेहतर क्या, काफ़ी बेहतर हो गई है कि डुगू अब जिया को किसी भी तरह से अगर लिटाया है तो उसे हर्ट नहीं करेगा। वो उसे सिर्फ प्यार करने जाता है, उसका डायपर लाता है, उसके कपड़े लाता है, धोने वाले जो उसके कपड़े हम नीचे रखते हैं वो जाके बाल्टी में डालता है। उसे पता है कि जो मेरी हेल्प है वो आके कपड़े वॉश करने वाली है, तो वो बहुत हेल्पफुल हो गया है। धीरे धीरे बच्चा समझने लगेगा, पर हाँ बहुत जल्दी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। इसीलिए फिज़िकली तो आप रेडी हो सकते हो, मैं जैसे कि फिज़िकली बता रही हूँ, अगर आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, आप सब सही है, तो फिज़िकली आप सफ़र नहीं करने वाले हो अगर अंडर 2 ईयर्स आप बेबी प्लान करते हो, अगर फिज़िकली सही हो, अपने आप को देख के बोल रहे हो। बट अगर आपकी एक प्रॉपर एज भी होती है, एक एज गैप आपकी खुद की भी रहती है, और अगर आप उस एज को क्रॉस कर चुके हो तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। मेरे हाथ में दर्द है, तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि बेबीज बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। आप किसी भी तरह से किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हो, और मैंने अपना बेस्ट देने के लिए, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं इतने बच्चे या 2 बच्चे हैंडल नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अगर आपके ट्विन्स हुए हैं तो वो एक एज ग्रुप में रहते, लाइक अगर वो न्यूबॉर्न है तो वो न्यूबॉर्न है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ेंगे, लाइक साथ में बढ़ेंगे। और एक टॉडलर और एक न्यूबॉर्न को मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत डिफ़िकल्ट, कि आप अपना शायद मेंटली रोना शुरू कर दोगे। अब मेरे साथ ऐसा हुआ है कि इमोशनली मैं इतना डाउन हो जाती थी, मेरे को लगता था कि बस ये सारी चीज़ें होती हैं आपके साथ। और वो कहते हैं ना, जो आप इंजॉयमेंट कर सकते हो ड्यूरिंग योर फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकेंड प्रेगनेंसी में, जो आप एक प्रेगनेंसी फेज इंजॉय करते हो और उसके बाद फिर जब बेबी होता है तो वो फेस ही बहुत इन्जॉय करते हो और विद फैमिली बहुत खुश रहते हो, तो वो कहीं ना कहीं आप मिस कर देते हो। क्योंकि अगर आपका बच्चा बड़ा है, 3-4 साल का है, तो शायद आप उसे इन्जॉय कर लोगे, बट अगर आपका बेबी इतना छोटा है जितना अब, क्योंकि वो 1 साल का हुआ था और वो जो 9 महीने थे वो बहुत डिफ़िकल्ट थे, धीरे धीरे वो टाइम भी बहुत डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि टॉडलर ज़िद्दी भी होता है बीच में, उसका खाना भी देखना है। डुगू बहुत कमज़ोर हो गया था, आपको याद है तो, आप मेरा प्रेगनेंसी ब्लॉग ही देखेंगे आज से 1.5-2 महीने पहले वाला, सॉरी डिलीवरी ब्लॉग ही देखेंगे, तो उसमें आप डुगू को देखिएगा। एंड अब देखिए, अब डुगू पे मैं ध्यान दे पा रही हूँ, बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाते हो, क्योंकि आप अपने पे ही उस टाइम पे ध्यान दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, वो भी नहीं दे पाते हो या नहीं दे पाते हो। बहुत सारे सवाल होते हैं, राजा को बहुत ज़्यादा अपना ऑफिस मिस करना पड़ा था इस चक्कर में, क्योंकि एक टॉडलर भाग रहा है, मैं उसके पीछे भाग रही हूँ। डुगू कई बार ऐसा हो जाता था कि उसे गोदी में उठाना है, उसे गोदी आना है तो आना है, शाम के बाद सोने के बाद उसे गोदी आना है तो आना है, तो उस ड्यूरेशन पे राजा को रहना ही पड़ता था, क्योंकि बच्चा समझदार नहीं होता। आई थिंक अगर स्कूल जाने वाला बच्चा भी है तो भी आप एक अपनी प्रेगनेंसी भी इन्जॉय करोगे। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है, मेरे को जब डुगू हुआ था तो मेरे को लगता था जब मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी होगी, जो कि हमने प्लान सोचा था कि 2025 तक ये 26 तक हम लोग आराम से जो बेबी है वो प्लान करेंगे, डुगू 4-5 साल का हो जाएगा तब, 25-26 तक हमने सोचा था वो इंजॉय करेंगे पूरे 9 मंथ एंड देन डिलीवरी फेज, क्योंकि डुगू ही बड़ा होगा, ध्यान रखेगा, ये रखेगा, वो सब उल्टा पड़ गया था हमारा। पर बाद में जब जिया आ गई तो बहुत सी चीज़ें घर में ना रौनक भी लगी। अभी भी ऐसा है कि मेरे को पता है, पहले बहुत बोलनी रहस होती थी, अगर आप मेरे ब्लॉग देखेंगे तो अम्मी, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, डुगू, राजा, नैनी, सब लोग एकदम सब मिलजुल के रहते हैं, तो बहुत सी चीज़ें चेंज हुई। मतलब जिया के आने से हम लोग के रिलेशन बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए हैं। इवन 6 मंथ में हमने बहुत, लाइक 1 साल बाद बात करी थी इन लॉज, तो हुआ था कुछ,
कोई पास्ट की बातें नहीं करते, पर हाँ ये है कि बहुत सी चीज़ें बेहतर हुई हैं और धीरे धीरे हम लोग मैनेज कर रहे हैं। जो भी मुझे सवाल उठाते हैं, यार मैं अपने बच्चों से इक्वली प्यार करती हूँ, बस हाँ मैं मेंटली बहुत डिस्ट्रैक्टेड हूँ, और बहुत सी चीज़ें हैं जो आप आफ्टर डिलीवरी पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी होता है, बहुत वैसी टर्म है, मदर्स जाती हैं उसमें। मैं कई बार जाती हूँ पर अपने आप को निकाल के खुद लाती हूँ कि नहीं बच्चे हैं मेरे, तो मुझे ध्यान रखना है। मैं अपना 100% दे रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। लोगों को लगता है कि क्या बोलते हैं, हाँ डिफरेंस है क्योंकि ऐसा है ऐसा है, यार चीज़ें बहुत अलग हो जाती है। कभी देखिएगा, अगर आप फर्स्ट टाइम प्रेगनेंट होते हो, सेकेंड टाइम अगर आप बहुत जल्दी प्रेगनेंट होते हो, चीज़ें बहुत मेंटली आप बहुत ज़्यादा सफ़र करते हो, इमोशनल ब्रेकडाउन बहुत बार होने वाला होता है। इवन बात करते करते अभी भी मेरा हो सकता है, पर मैं अपने आप को इतना कंट्रोल करती हूँ, इतना कंट्रोल करती हूँ। नींद हमें आँखें हमेशा ऐसी लगती है कि आपको बहुत नींद आ रही है, जो कि आती भी है, बट आप सो नहीं पाते क्योंकि दोनों बच्चे का भी शेड्यूल अलग अलग है। न्यू बॉर्न एकदम ही अलग होते हैं और डुगू ऐसा है कि लंबा सो जाता है। हम लोग, मैं अपनी प्रेगनेंसी तक बहुत आराम से सोई हूँ क्योंकि डुगू भी सो जाता था, और डुगू जिस टाइम पर सो रहा है उस टाइम पर अगर मैं सो गई हूँ और उसके साथ उठ रही हूँ तो मेरी बहुत अच्छी नींद कम्प्लीट हो जाती थी। अभी ऐसा होता है कि नहीं होती, क्योंकि एक जैसे सुलाया है मैंने डुगू को, उसके बाद जस्ट जिया की ड्यूटी लगती है। और न्यू बॉर्न जो है वो आपके 2-3 घंटे में फीड करते हैं, तो वही होता है कि मैं ना ब्लॉग प्रॉपरली कर पाती हूँ और ना चीज़ें प्रॉपरली आप लोग को दिखा पाती हूँ। हर चीज़ ऐसी हो गई है कि पहले हम लोग करते रहते थे, अब एक टॉडलर है जो घर फैलाते रहते हैं कंटिन्यूसली। इन प्रेगनेंसी तो मुझे याद है यार, मैं चीज़ें उठा नहीं पाती थी, घर फैला तो फैला ही रहता था, मैं पैरों से जो जो चीज़ें उठा पाती थी बाकी नहीं। तो इन कंक्लूजन बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में चेंज होती हैं, और घर में खुशी भी आती है। और एक माँ, और मैं यहाँ पे एक फादर को भी कंसीडर करूँगी, फादर भी मेंटली ज़्यादा भी उतना नहीं सोते हैं वो, बल्कि अपना काम भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। हम लोग फिर भी घर पे हैं यार, सो जाएंगे, कभी सोना होगा बच्चे सो गए तो, बट वो अभी नहीं हो पाता है क्योंकि जिया जो है वो सो नहीं रही है, और डुबू दोपहर में मैं भी उसकी हैबिट अलग कर रही हूँ, छुड़ा रही हूँ। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको इफेक्ट करेगी। तो मेरा मानना यह है कि फिजिकली आप सफ़र करो ना करो, मेंटली आप बहुत ज़्यादा फिजिकली आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सफ़र करो ना करो, बट फिजिकली आप आफ्टर डिलीवरी ज़रूर करोगे, क्योंकि दो बच्चे की वो होगी कि आपको संभालना है दोनों बच्चों को। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपको इफेक्ट कर सकती हैं, और अगर कोई का बेबी जो है हम लोग की तरह आ गया है तो जस्ट वेलकम करो। अगर आप हर जगह से स्टेबल हो, लाइक फाइनेंशियली स्टेबल हो, फिजिकली अच्छे हो, मेंटली तो आपकी फैमिली सपोर्ट मिल जाएगा, तो बहुत सी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हाँ सही हो सकती है ये नहीं पता मुझे, क्योंकि उसमें आपको खुद से कोशिश करनी पड़ेगी कि यार खुद आपको बच्चों को देखना है, तो आपको उस जोन में तो जाना ही नहीं है, आपको सिर्फ एक खूबसूरत से जोन में रहना है जो कि आपकी बेबी की वो है। मुझे बहुत अच्छे से पता है ये फेस दोबारा नहीं आना है, ना बच्चे का फर्स्ट का ना सेकेंड का, तो दोनों को इन्जॉय करो। अब हम लोग इन्जॉय करना शुरू कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैं राजा को बोलती हूँ यार कर लो, अभी डुगू इतना हम लोगों से प्यार करता है, चिपक रहा है, आगे चल के बड़ा हो जाएगा तो शायद हम लोगों को इतना वो भी नहीं देगा टेंशन वो। और जिया के केस में भी है कि जितना उसका न्यू बॉर्न फेस है वो इन्जॉय कर लो, बिकॉज ऑब्वियसली हमारी सेकेंड जो है इट्स लाइक फैमिली कम्प्लीट है, तो इन्जॉय। तो ये वाली हम लोगों के बीच डिस्कशन चलता है। तो हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं विथ सम प्रेशर हेयर एंड देयर, कुछ ना कुछ होता रहता है जो आप मेंटली, यार आप हमेशा अच्छे मूड में नहीं रह सकते, पर हम लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं और ऐसा हो जाता है कि बस लिक होता है। देखिए यार सबके उसमें होता है, मैं क्योंकि अपने दिल की बात शेयर कर रही हूँ तो मैं एकदम क्लियर कट बोल रही हूँ। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने कोई पॉइंटर नहीं रखे कि हाँ मुझे ये बात बोलनी है, ये बोलनी, वो बोलनी है। तो मन की बात जो थी मेरी सीरीज थी एक, और मैं पहले करती थी जो मेरे दिल में होता था एक मंथ में एक बार, कि ब्लॉग में नहीं बोल पा रहे तो डायरेक्टली बोल लो, तो होता है, होगा, सब होगा, बट एट लास्ट सब अच्छा होगा। बट अगर आप सोचते हो कि यार अभी करनी चाहिए, या क्योंकि जोक नहीं है ये, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, राजा के ऊपर, जिनके लिए, तो अगर आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए तैयार हैं देन ठीक है। और अगर मेरे एक्सपीरियंस आप जानते हो, आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, देन आपको बहुत ज़्यादा होगी यार प्रॉब्लम यार। कुछ लोग बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, मेरे पास आते हैं केयरलेस मॉम, मेरे को नहीं पता मैं कितनी केयरलेस हूँ, मैं नहीं हूँ केयरलेस, मुझे इतना पता,
बल्कि मैं पहले मेरे पास आते थे पोजेसिव मॉम, कि बच्चे को नहीं छोड़ती, बच्चे को यहाँ नहीं जाने देती, बच्चे को वहाँ नहीं जाने देती। अब मेरे पास आती केयरलेस मॉम, ठीक है, बट लोग आपको जजमेंट पास करेंगे, प्रेगनेंट टू सून, इतनी जल्दी क्यों, हाँ क्या ज़रूरत थी, क्यों कर लिया, ज़रूरत की बात नहीं थी, हो गया यार हो गया। और अब हम उस चीज़ को लेके काफ़ी खुश हैं। जो भी चीज़ें आपको लग रही होगी यार देखो कैसी कैसी बातें कर रही है और खुश है तो ऐसी बातें कर क्यों रही है, तो यार चीज़ें होती हैं जो कि एक्सप्लेन करनी बहुत ज़रूरी होती है। कई बार बहुत सी अनएक्सप्लेन चीज़ें होती हैं जो आपको ब्लॉग में नहीं दिखती है। मैं अपने ब्लॉग एकदम फेयर रखती हूँ, जो जैसा है वो है, और अगर बच्चे नहीं सो रहे मेरे पास आते कि कोई शेड्यूल नहीं है, बच्चे लाइट बंद करके सोते हैं तो लाइट जला के नहीं सोता ऐसी वाली को, वो एक 0 वाट का बल्ब मान लो वैसी लाइट में सोता है, वो अंधेरे में नहीं सोता है डुगू, तो उसको एक हल्की लाइट चाहिए। बच्चे डरता है, मेरा बच्चा पहले से डरता है तो डरता है, तो जैसे मैं लाइट बंद करती हूँ तो बिल्कुल नहीं सोता है, तो अंधेरे वाला भी आता है। कि बच्चों को डे एंड नाइट का पता होना चाहिए, पर अगर मॉर्निंग में हम जैसे डुगू हुआ था तो हम दिन में कर्टन्स खोल देते थे, तो वो दिन अलग, डुगू का एक रूटीन हमने सेट कर लिया था। जिया के केस में भी वो थोड़ा सा हम लोगों का ध्यान नहीं होता है, मैं सीधा बोल रही हूँ, ध्यान थोड़ा भटकता है, क्योंकि एक को आप कंटिन्यूसली इधर उधर भाग रहा है, वो भाग रहा है, मेरे को उसे पकड़ना है, वो कभी बिगड़ जाता है, अभी वो छत पे गिर गया था। तो जब हमने काउंसलिंग भी करी थी, डॉक्टर ने हमसे कहा था क्योंकि वो एक न्यूबॉर्न फेस में है, उसे फीड चाहिए, उसको उसका हल्का सा प्ले टाइम चाहिए एंड वो सोएगी। आपको टॉडलर पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर वो आप नहीं ध्यान दोगे तो वो बहुत जिद्दी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स थ्रो करेगा। डुगू को हमने उस स्टेज से निकाला है, वो बहुत सर्वर बैंक करने लगा था, तो उस स्टेज से निकाला है। जब आपका बच्चा फर्स्ट समझदार हो जाए कि वो एक बेबी को समझ सकता है, कि छोटे बच्चे की एक छोटा बच्चा होता है वो समझ सकता है, तो शायद आपको प्लान कर लेना चाहिए। बट इतनी उम्र में बच्चा नहीं समझता है, डुगू 2 साल का होने वाला है, वो सिर्फ इतना जानता है कि ये जिया है और इसे मुझे प्यार करना है, और अब वो समझने लगा है क्योंकि वो चीज़ आ गई है, मतलब बेबी आ गई है इसीलिए। बाकी मुझे नहीं पता कि 2 साल के बाद भी समझता ही नहीं समझता, पर अब वो काफ़ी ज़्यादा केयरिंग हो गया उसके लिए, जैसे उसके लिए मम्मी पापा है वैसे उसके लिए अब जिया है। धीरे धीरे वो और समझेगा और चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। तो बस इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही पर्पज़ था, कि जो लोग को भी कन्फ्यूजन होती है ना कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यार 6 मंथ वाला तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। मेरे पास आता है कि 6 मंथ का बेबी है एंड वो प्रेग्नेंट हो गई, तो यार इसका तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। हाँ, पर जब तक आपकी डिलीवरी होगी ना तब तक आपका टॉडलर ज़रूर भागने लगेगा, लाइक बच्चा बड़ा हो जाएगा और जब वो भागना शुरू होगा तो आपको भागना शुरू करना पड़ेगा। और जब बच्चा 1 साल में जब चलना शुरू होता है ना तो बच्चा काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस भी होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कर रही हूँ जहाँ इम्बैलेंस भी रहता है, तो उससे बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि चलते चलते वो गिर जाते हैं बच्चे, है ना। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप फेस करेंगे और होगी, पर ठीक है, लाइफ है, लाइफ में लोगों का बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे रिलेशंस जो हैं वो बहुत बढ़ गए, हमारे पास एक बेटा है, एक बेटी है हमारी फैमिली, जो कि छोटी सी थी, लाइक थी, अब वो बहुत अच्छी बड़ी हो गई। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस बताया है, चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली हो, फाइनेंशियली अगर आप स्टेबल हो तो स्टेबल हो। मैं और राजा दोनों काम करते हैं, मैं इसलिए अपना काम नहीं छोड़ती, क्योंकि अब बेबीज हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, तो आपको काम करना ही पड़ेगा। तो मैं अपना काम भी छोड़ती हूँ, बस आते हैं कॉमेंट की बच्चों पर ध्यान दो, नहीं फैमिली पर ध्यान दो, काम ज़रूरी नहीं है। हाँ जी, काम ज़रूरी नहीं है, पर फाइनेंशियली भी आपको जो है ज़रूरी डबल इनकम आज के में सोर्सेज होने चाहिए। अगर हस्बैंड कमा रहा है तो बीवी का भी आज कल ऐसा हो गया, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, 2 बच्चे हैं, है ना, तो हमने नैनी भी रखी हुई है कि वो देख रही है। मैंने किसी को भी अनअटेंटिव नहीं छोड़ा हुआ है, कि किसी को भी मैंने ऐसे छोड़ दिया अपने बच्चों को कि कोई देखने वाला नहीं है। भैया देखने वाले मैंने लगा के रखा हुआ है कि वो देखती रहे, मैं खुद भी देख रही हूँ। और फाइनेंशियली भी आपको काम करना ही पड़ेगा, आजकल की डेट में जो एजुकेशन है वो ही कितनी ज़्यादा महंगी हो गई है, तो यार सेव तो करना पड़ेगा ना, काम तो करना ही पड़ेगा ना, काम नहीं छोड़ सकती ना। तो चलिए, मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो के एंड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको कुछ ऐसी और टॉपिक्स पे या मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस जानने हैं, क्योंकि आई थिंक जिसके ऊपर जा रही हैं चीज़ें वो आपको बहुत अच्छे से बता सकता है। 3 साल में इसलिए शायद नहीं बोला जाता है कि नहीं करना चाहिए, मेरे ख्याल से यार इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप दोनों को देखना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिजिकली आप टायर्ड हो जाओगे। वैसे स्टिचेस और नॉर्मल डिलीवरी इन सब में तो मेरे को एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, सेकेंड मेरी बहुत अच्छी थी रिकवरी प्रोसेस। तो
बस यही था। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय। अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए।